हेलो नमस्कार, वेलकम वड़कम, मैं हूं आपके साथ शिल्पा राव। जी हां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली और धनतेरस का आ चुका है त्योहार, तो सभी अपने घरों को छोड़कर दुकानों पर निकल पड़े हैं। जी हां, सोना बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है, ज्वेलरी बेहद इंपॉर्टेंट मानी जाती है, खास करके त्योहारों के टाइम पर। और ऐसे में आप पहुंच जाते हैं बाजार में ज्वेलरी खरीदने के लिए, लेकिन क्या आप श्योर हैं जो ज्वेलरी आप अपने घर ला रहे हैं वो प्योर है? क्या जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वाकई में आप जानते हैं कि वो सही जगह इन्वेस्टमेंट आपने किया है? क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, तो आप जरूर चाहेंगे कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो वेस्ट ना जाए और सही जगह पर वो इन्वेस्ट हो। तो इसी के लिए हम आज आपको लिए लेकर आए हैं दिवाली पर गहनों का लाइव टेस्ट। आज हम आपको दिखाने वाले हैं नाइट्रिक एसिड से कैसे आप पता लगा सकते हैं कि जो सोना है वो वाकई में प्योर है। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि स्कैन टेस्ट के जरिए आप कैसे पता लगाएंगे कि जो सोना है, यानी कि ये जो सोना आप खरीद रहे हैं, वो वाकई में कितना प्योर है। क्योंकि ये सोना दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, अगर इसे पहनूंगी तो पहन के भी काफी सुंदर ये मेरी अंगूठी में लग रहा है, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि ये जो सोना है वो वाकई में सोना कहकर मैं ले तो रही हूँ, पैसा मैं इन्वेस्ट तो कर रही हूँ, लेकिन वाकई में जो सोना है वो प्योर है। तो उसी के बारे में आज हम करने वाले हैं गहनों का लाइव टेस्ट। इस धनतेरस दिवाली अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट करना हमारी जरूरत भी है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप शॉर्ट हो जाए यहाँ पर दुकान पर जाकर कि जो सोना आप अपने घर ला रहे हैं वाकई में प्योर है या फिर उसमें खपलेबाजी है। इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप दुकान पर जाते हैं, तो कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको अपने माइंड में लेकर चलना है कि आप जब सोना खरीद रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो ये हम आपको बताएंगे, लाइव टेस्ट भी करेंगे, लेकिन पहले आप वो बातें जान लीजिए जिनका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है जब आप खरीदने जा रहे हैं सोना। हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदे, विश्वसनीय दुकान से ही सोने की खरीदारी करें। चौबीस कैरेट होता है असली सोना। दिवाली पर सोना आपको ना दे जाए धोखा। पहचाने असली सोने चांदी को। दिवाली पर सावधान। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, तो उन पर सोने चांदी के सिक्के चढ़ाना शुभ माना जाता है। रोशनी के महापर्व दीपावली के लिए सोने के आभूषणों की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। बाजारों में इस दौरान ज्वेलर्स की दुकानों पर रौनक देखते ही बनती है। ऐसे में आप भी सोने चांदी के सिक्के और ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें, इससे सोने की चमक के साथ आपकी दिवाली भी दमकने लगेगी। गहनों की खरीदारी करते समय सबसे पहले उसकी शुद्धता का पता लगाएं। आपको बता दें कि 24 कैरेट गोल्ड सबसे शुद्ध होता है, लेकिन इससे ज्वेलरी नहीं बनती। गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट और इससे नीचे के कैरेट पर बनाई जाती है। इसके लिए दूसरी धातु को सोने में मिक्स किया जाता है। इस तरह ज्वेलरी खरीदते समय सोने की शुद्धता और उसकी मिक्सिंग को जानकर आप सही कीमत और मेकिंग चार्ज जान पाएंगे। व्हाइट गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने अगर आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि निकेल और प्लेटिनियम मिक्स व्हाइट गोल्ड से स्किन एलर्जी होने का खतरा हो सकता है, इसलिए मिक्सिंग के बारे में ज्वेलर से पूछें। इसके साथ ही ज्वेलर से प्योरिटी सर्टिफिकेट की मांग करें। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखकर आप किसी धोखे से बचे रहेंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। त्योहारों का आ चुका है सीजन और ऐसे में धनतेरस दिवाली बेहद ही नजदीक है, तो आप भी शॉपिंग करने जरूर निकलेंगे। और ऐसे में सोने चांदी की शॉपिंग जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आज हम करेंगे रियलिटी चेक। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि जो सोना जो चांदी आप खरीदने जा रहे हैं वो कितना असली है और कितना नकली है। इसका लाइव टेस्ट जो है आज हम यानी कि मेरे साथ आप करने वाले हैं शिल्पा रावत के साथ। आपको मैं बताऊंगी कि जब आप दुकान में जाते हैं तो किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप सोना और चांदी खरीद रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर भी देखिए मेरे पीछे काफी अच्छे पीसेस जो है वो नजर आ रहे हैं, चांदी के, गणपति, लक्ष्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और भी काफी सारी चीजें हैं। रियलिटी चेक करेंगे मेरे साथ, चलते हैं दुकान के अंदर, जानते हैं कि आखिर सोना जो है किस तरीके से हम खरीदें और सोने को कैसे हम परख सकते हैं। चलिए,
और अब मैं पहुंच चुकी हूं शोरूम के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर हम करेंगे रियलिटी टेस्ट, सोना वाकई में कितना सोना है और कितना उसमें नकलीपन है। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ पर वीवीआईपी ज्वेल एसोसिएशन के संस्थापक यानी कि अशोक जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि सोने की परख आखिर हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि जो सोना हम खरीदने निकले हैं, जो सोने में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम कैसे परख सकते हैं। जैसे ये गोल्ड की चेन है, देखिए अब ये हल्की लोग चेन आजकल मांग रहे हैं, पहले ये भारी भारी मांगते थे, अब हल्की मांगते हैं। अब लोग अपने गाढ़े खून पसीने की, जैसे आपका जो आपने पूछा है कि किस तरीके से हम रियलिटी टेस्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे टाइम में तो जब हम होते थे कसौटी से टेस्ट कर लिया करते थे। आजकल तो कस्टमर के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सरकार ने ऑप्शन खोल दिए हैं, जैसे BIS का जो हॉलमार्क है, एक तो वो है, एक जो बिल से परचेजिंग होती है, नंबर एक का जो बिल मिलता है वो आप ले सकते हैं। तीसरे गोल्ड के लिए एक स्कैनिंग टेस्ट भी होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कसौटी अगर टेस्ट यहाँ पर होता है तो वो किस तरीके से होता है और कैसे आप उससे पता लगा सकते हैं कि जो सोना वाकई में जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, जो मैं अपनी मेहनत की कमाई लगा रही हूँ, वो वाकई में यहाँ पर बेस नहीं हो रही है, मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो प्योर सोना है वो मेरे घर यहाँ पर इस दिवाली आने वाला है। अच्छा, देखिए अब हम आपको बताते हैं इसका, ये ऐसे कसौटी का कस लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अंगूठी को इस कसौटी पर घिसा जा रहा है, मार्क जो है यहाँ पर छूट गया, ये मार्क जैसे आ गया। अब इसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है वो एक बूंद ऐसे लगाते हैं। तो गोल्ड अगर अच्छा गोल्ड होता है तो उसमें गोल्ड रहता है, और कुछ और अलॉय मेटल होती है तो वो साफ हो जाती है या हरा पीला पड़ जाता है। तो आप समझ लीजिए इसके अंदर जो है गोल्ड अच्छा गोल्ड है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड लगाने के बावजूद भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंजिंग की बात जिस तरीके से यहाँ पर बताई चुक जी ने, इसके जरिए यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि कैसे जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है, आपके घर इस दिवाली जो है असली सोना आने वाला है या फिर आप ठगे जा सकते हैं। जी हाँ, तो इस बात का यानी कि जिस तरीके से अशोक जी ने बताया कसौटी, अब अगर आप दुकान पे जाते हैं और आपके मन में कहीं भी इतनी सी शंका है कि जो गोल्ड आप खरीद रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं है, कहीं गलत जगह पैसा आप इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप अपने शॉपकीपर को कह सकते हैं कि आप ये टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यकीन जो आपके दिल में एक वहम होगा वो यहाँ पर दूर हो जाएगा। बस सबसे बड़ी बात है कि बिल जो होता है ना, बिल आप लीजिए, उससे सेटिस्फेक्शन होता है। आप बिल्कुल पक्का बिल दुकान से लीजिए, उससे सेटिस्फेक्शन होता है। तो लाइव टेस्ट हमारा जारी है ज्वेलरी को लेकर, और जो भी गहने आप खरीद रहे हैं वो किस तरीके से आपको खरीदने हैं और कैसे उनकी परख करनी है, इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी जो है हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वीवीआईपी ज्वेल एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी कि मोहन जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे यहाँ पर और जानेंगे इस बारे में कि किस तरीके से आप ज्वेलरी को और टेस्ट कर सकते हैं, और क्या आपको जब भी आप शॉप पर जा रहे हैं, जब भी आप कुछ सोना खरीदने जा रहे हैं, तो किन बातों को आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाएगा। एक कस्टमर जब हमारे पास आता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कैसे पहचाने कि जो वो परचेजिंग कर रहा है वो वैल्यू फॉर मनी गुड्स ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसका जो सबसे बड़ा और सरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको शॉर्ट फॉर्म में BIS के बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा मापदंड है जिसके बेस पे आपको पता लगेगा कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी भी दुकानदार से, अगर BIS हॉलमार्क किया हुआ है तो आप 99% आप एश्योर हो जाइए कि चीज़ें आपको सही मिल रही है, वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये BIS का है, इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला हुआ, BIS वालों ने निकाला हुआ है, इसमें एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का मतलब होता है हॉलमार्किंग का निशान है। अब उसका प्रोडक्ट जो आजकल आ रहे हैं या तो 22 कैरेट आ रहा है या 18 कैरेट आ रहा है, कोई कोई दुकानदार 23 कैरेट भी बेच देते हैं जो कि गलत है, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। जो गवर्नमेंट ने कहा है आप या तो 22 कैरेट बेचिए या 18 कैरेट बेचिए, और ये हॉलमार्क का निशान यहाँ होना चाहिए 916, इसका मतलब ये 22 कैरेट का है। ये जो है एक यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें जो है कि जिसने हॉलमार्क टेस्ट किया है
उसका निशान है ये। लेकिन जब हम जाएं तो इसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये आप इसे गौर से देखिएगा, 9x6 अगर यहाँ पर किसी सोने की चीज पे है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं वो प्योर की। मैं इसमें इसी और ऐड करना चाहूंगा, ये पांच निशान है, पांच निशान, एक ट्रायंगल है, एक कितने प्योरिटी के गोल्ड है, एक किसने टेस्ट किया है, ईयर ऑफ एसेसिंग कब का है, और लास्ट में जैसे मेरा है ज्वेलर श्री ज्वेलर एस जे हमारा मार्क है, तो इसी तरह हर दुकानदार के अपने शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो यानी कि पांच चीजें होनी जरूरी, ये पांच क्यों नहीं, कई बार क्या होता है कि ये एक या दो दे देगा आपको, अगर तीन मार्क भी है दैट इज नॉट ए वैलिड वी आई एस मार्क। सर ने बताया अगर ये पांच निशान आप देख रहे हैं अपनी ज्वेलरी में, ये पांच निशान बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये पांच निशान आपकी ज्वेलरी में है तो ये कहीं ना कहीं आप सुनिश्चित कर लेंगे, जिस तरीके से सर बोल रहे हैं आप पर, वो आप सीधे तौर पर सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो प्योर ज्वेलरी जो है आप ले जा रहे हैं, यही ना सर? वेरी, हाँ, तो आप ये निश्चित कर सकते हैं कि प्योर ज्वेलरी है। डायमंड की भी हम बात कर लेंगे यहाँ पर, देखिए डायमंड का नेकेड आई से तो आपको पता है डायमंड में 3C होता है, कट, क्लैरिटी एंड कैरेट, ये मापदंड है जिससे पता लगता है कि डायमंड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है, ये सर्टिफिकेट है जिसमें कोई भी आप डायमंड का प्रोडक्ट ले रही हैं तो यहाँ पे उसके फोटो भी हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है कि शेप कट क्या है, टोटल वेट क्या है, कलर क्या है, क्लैरिटी क्या है और कमेंट क्या है, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वाकई से आप पता लगा सकते हैं कि जो डायमंड आप ला रहे हैं वाकई में जो हीरा आप कहते हैं अपने घर ला रहे हैं वो कितना प्योर हीरा आप लेके आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर सर मैं सिक्के भी देख रही हूँ चांदी के, देखिए यहाँ पर सिक्के चांदी के रखे हुए हैं। सर अगर इन सिक्कों की बात कर ली जाए तो सिल्वर के जो सिक्के हैं काफी शुभ माने जाते हैं और अक्सर घर पर ये सिल्वर के सिक्के जो हैं दिवाली पर लेकर आए जाते हैं अपने घर में, इनकी अगर बात करी जाए तो सर बीच में ये भी देखने को मिला कि कई नकली सिक्के जो हैं मार्केट में आ गए, तो अगर इनकी प्योरिटी की बात करी जाए क्योंकि अक्सर लोग खरीदते हैं तो कैसे यहाँ पर इसकी प्योरिटी देखी जाए? देखिए दीपावली में शुभ माना जाता है क्वाइन लेना, चाहे वो गोल्ड का लें चाहे वो सिल्वर का लें, ये शुभ माना जाता है। तकरीबन सारे घरों में एक डिमांड होती है कि भाई एक चांदी का सिक्का लेके आना है या गोल्ड का सिक्का लेके आना है, तो मैंने गोल्ड के बारे में आपको बताया है। उसी तरह चांदी में भी आपकी प्योरिटी टेस्ट के लिए हॉल मार्किंग है, BIS का ही हॉल मार्किंग है, अगर आप BIS का लेते हैं तो उसी तरह जैसे सोने में अप्लाई होता है कंडीशन, उसी तरह कंडीशन आपके सिल्वर क्वाइन पे भी अप्लाई होता है। लेकिन इसमें ऐसा भी जैसे ब्रांडेड ये MMTC का है, ये अब MMTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये देखिए MMTC यहाँ लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो 100% मीन्स 999.9 कितनी प्योरिटी सोने चांदी की है इसकी। तो सर अगर हमारे दर्शक अगर हॉलमार्क नहीं है या किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कस्टमर उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि बहुत सारे खोटे सिक्के मार्केट में अवेलेबल है जो कि आम रेट से बहुत कम रेट पे मार्केट में बेच देते हैं। आपके घर में सही क्वाइन आए सही सोना आए तो यहाँ पर जो बातें यहाँ पर सर ने बताई है वो आपको बेहद जरूरी है ध्यान रखनी, जब सोना आप खरीदेंगे तो पांच निशान जो है वो यहाँ पर जरूर होने चाहिए ताकि आप इस बात के लिए श्योर हो जाए कि सोना जो है जो आप दुकान से खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बात हम और भी करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर स्कैन टेस्ट। जी हाँ स्कैन टेस्ट भी होता है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि सोना कितना प्योर है, प्योरिटी की जो लेवल है सोने का प्योरिटी लेवल है वो क्या है और जो सोना हम खरीद रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं। एक तो गोल्ड के जो रेट होते हैं वो गोल्ड के रेट अलग होते हैं 24 कैरेट गोल्ड के, और ज्वेलरी के रेट अलग होते हैं, लोग इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं। दूसरे एक आजकल देखा होगा आपने ज्योतिष लोग बता देते हैं कि आपको पुखराज पहनना है, किसी को पन्ना पहनना है, किसी को माणक पहनना है, इसकी क्या प्योरिटी है, क्या ये चीज़ आपको ऑथेंटिक मिल रही है, ये सब चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये ज्वेलरी के अंदर ये सारी आइटमें आती हैं। तो इस तरीके से जैसे टेस्ट करके सर्टिफिकेट लग के बाकायदा स्टोन का फोटो कितना वेट है उसका ये सब लिख करके जो है ना उसमें दिया जाता है, यानी कि स्टोन भी अगर आप खरीदे जा रहे हैं हाँ, तो उसकी भी मार्किंग एक तरीके कोई सी भी मतलब किसी भी तरीके का स्टोन हो। और अब रही स्कैनिंग की बात, वो स्कैनिंग के लिए मैं आपको अभी
बताता हूँ किस तरीके से स्कैन होती है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं स्कैन टेस्ट के बारे में। जहाँ पहले आपने शायद सुना होगा कि सोने को आप किस तरीके से परख सकते हैं, स्कैन टेस्ट होता है जिसके जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपका सोना है वो वाकई में कितना प्योर है। आप जब दुकान पे सोना खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये हमने आपको पहले बता दिया, और एक खास टेस्ट आपको आज हम करके बताने वाले हैं टेलीविजन पर, और आपको बताएंगे स्कैन टेस्ट के बारे में। निमेश जी हमारे साथ हैं, वो हमें ये टेस्ट करके बताएंगे कि स्कैन टेस्ट के माध्यम से आप किस तरीके से जान सकते हैं आपका सोना जो है वो कितना प्योर है। चलिए उन्हीं से जानते हैं। निमेश जी, स्कैन टेस्ट किस तरीके से करेंगे और बताएगा कैसे होता है? एक्चुअली कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लाता है, गोल्ड लाया, तो इसमें ये इसमें पारदर्शिता है, बिल्कुल क्लियर, कस्टमर को किसी भी एंगल से ना नुकसान नहीं हो सकता। हम प्रोडक्ट को इसमें रखते हैं, उसकी प्योरिटी सामने आ जाती है, वो 18 कैरेट है, 14 कैरेट है, 22 है, एक प्रोडक्ट लगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट जो है वो स्कैनर मशीन के अंदर जा रहा है, और ऐसे में स्कैनर मशीन के अंदर डाल के यहाँ पर स्कैन टेस्ट सोने का किया जाता है, और इसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि सोना जो है वाकई वो कितना प्योर है। जो कस्टमर आ रहा है वो श्योर हो सकता है अपने सोने के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसका ये जानना बेहद जरूरी है कि सोना जो है उसका कितना प्योर है। जो सोना वो अपने घर ले जा रहा है वाकई में वो कितना प्योर सोना है। ये क्लोज कर दिया तो स्कैन कर। निमेश जी बताइए, ये प्रोडक्ट इसमें आ गया, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें प्योरिटी मेंशन होगा, जो भी प्रोडक्ट की प्योरिटी है वो इसमें आ जाएगी, क्लाइंट बिल्कुल क्लियर रहता है। इसमें हम कहीं भी ब्रेकअप का कोई चांस नहीं है, जो मार्केट में धोखाधड़ी है वो यहाँ पे कोई केस ही नहीं है। अच्छा, धोखाधड़ी का केस है? बिल्कुल, आपके सामने आपका प्रोडक्ट है, आपके सामने है, ओल्ड गोल्ड आया सामने रखा, जो प्योरिटी आई उसकी वैल्यू आ गई। ठीक, कस्टमर यानी कि बिल्कुल श्योर 100% सैनको का नियम भी यही है। ये आगे तो देखिए, यहाँ पर पेरोडी पूरी आ चुकी है, गोल्ड सिल्वर कॉपर सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, मतलब लगभग आप ये प्योरिटी अपने माइंड को आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके हाथ में गोल्ड है, जिस पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई डाल रहे हैं, वो बिल्कुल सही जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कैनर के माध्यम से। जी हाँ, स्कैन टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पेरोडी जो है, जिस तरीके से निमेश जी ने बताया पूरी पेरोडी जो है वो आ चुकी है, और नीचे यहाँ पर देखिएगा 22 कैरेट भी सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि आपका सोना जो है वो कितने कैरेट का है, यानी कि कितना प्योर आपका सोना है। अगर आपके मन में इतना सा भी डाउट है तो इस टेस्ट के माध्यम से वो डाउट जो है आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। निमेश ने बता दिया किस तरीके से स्कैन यहाँ पर होता है, और स्कैन टेस्ट के माध्यम से आपका सोना जो है कितना प्योर है। अभी तक हमने आपको काफी सारे टेस्ट दिखाए जिससे आप ये जान सकते हैं सोना किस तरीके से आप परख सकते हैं। स्कैन टेस्ट हमने आपको बताया, अब वो टेस्ट हम आपको बताने वाले हैं जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेट टेस्ट, और भी टेस्ट है जो कि आप अपने घर पर कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि जो सोना आप खरीद के लाए हैं वो कितना प्योर है। ऐसे पहचाने सोना असली है या नकली। हॉलमार्क, आजकल हॉलमार्क के सोने चांदी को पहचानना सबसे आसान है। भारत में BIS संस्था गोल्ड की गुणवत्ता की जांच करती है, इसलिए BIS हॉलमार्क देखकर सोना खरीदें। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हॉलमार्क लगा है वो ओरिजिनल है या नहीं। दरअसल असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है, और उस पर हॉलमार्किंग सेंटर के लोगों के साथ शुद्धता भी लिखी होती है। एसिड टेस्ट, अगर आप खुद सोने के असली होने का पता लगाना चाहते हैं तो आप एसिड टेस्ट से आसानी से सोने के खरा होने का पता लगा सकते हैं। इसके लिए एक पिन से आप सोने पर हल्की खरोच लगाएं और फिर उस खरोच पर नाइट्रिक एसिड की एक बूंद डालें। नकली सोना तुरंत ही हरा हो जाएगा, जबकि असली सोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैग्नेट टेस्ट, असली सोने चांदी की पहचान करने के लिए आप मैग्नेट टेस्ट भी कर सकते हैं। दरअसल सोना चुंबक से चिपकता नहीं है, इसलिए एक चुंबक लें और सोने को उसके पास ले जाएं। सोना थोड़ा सा भी सोने से चिपके तो समझ जाइए कि सोना खरा नहीं है, इसलिए मैग्नेट टेस्ट सोने में मिलावट का पता बता देती है। वाटर टेस्ट, सोने का वाटर टेस्ट करने के लिए एक कप पानी लें और उसमें सोने को डुबोएं। अगर सोना पानी के कप में डूबे तो असली है, लेकिन पानी की धारा के साथ अगर वो तैरे तो वो असली नहीं है। सोना हमेशा पानी में डूबता है और सोने में कभी जंग नहीं लगता। कनक पर दें ध्यान, असली और नकली सिक्कों को
उनकी खनक से पहचाना जा सकता है। मेटल पर असली चांदी का सिक्का गिराने पर भारी आवाज आती है, जबकि नकली सिक्का लोहे की तरह खनकता है। प्राचीन और विक्टोरियन सिक्के गोल और घिसे रहते हैं, जबकि नकली सिक्कों के किनारे गोल और खुरदरे होते हैं। जब भी आप सोने चांदी की खरीदारी करें तो विश्वसनीय दुकान से ही खरीदारी करें। दरअसल असली सोना कैसे पहचाना जाता है और चांदी के सिक्के असली हैं या नहीं, इसके लिए विश्वसनीय दुकानदार से खरीदारी करना अच्छा रहता है। बड़े शोरूम पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको सोने के असली होने के जरूरी दस्तावेज देते हैं। सोने की कीमत उसके कैरेट के हिसाब से तय होती है, और जितने ज्यादा कैरेट का सोना होगा उतना ही दाम ज्यादा होगा। इसलिए कैरेट को देखकर उस सोने की कीमत की जानकारी करें। सोना खरीदते समय ज्यादातर लोग 24 कैरेट का भाव देखते हैं और ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट खरीदते हैं, जिसकी कीमत कम होती है। इसके लिए 24 कैरेट के भाव में 24 का भाग दें और 22 से गुणा करें। इससे आपको 22 कैरेट सोने की कीमत पता चल जाएगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। जी हाँ, तो आप भी शॉपिंग करने निकले हैं दिवाली, इसी के लिए हमने लाइव टेस्ट करा है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से नाइट्रिक एसिड के जरिए आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपका सोना कितना प्योर है। साथ ही साथ हमने आपको स्कैन टेस्ट के बारे में बताया, जो कि शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे कि स्कैन टेस्ट के माध्यम से अगर आप ऐसी ही चमकती चीज यानी कि सोना खरीदने जा रहे हैं तो वाकई सिर्फ वो चमक नहीं रही हो, बल्कि वाकई वो असली सोना हो, तो इन टेस्ट के माध्यम से आप जरूर जाइए, खूब सारी शॉपिंग कीजिए इस धनतेरस दिवाली, खूब सारा सोना जो है अपने घर लेके आइए। लेकिन हाँ, जो बातें हमने आपको बताई उनसे श्योर हो जाइए कि आपके घर में जो चीज आ रही है यानी कि जो सोना आ रहा है वो वाकई में प्योर है। तो दिवाली खूब एंजॉय कीजिए, और समाचार प्लस की टीम से और मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।